हाँ भाई, सेब कैसे दिए? 240 पर केजी साहब। ये कौन है? दीदी है साहब हमारी, आप बताइए कितना तोल दे। एक काम कर, 1 किलो कर दे। जी। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई करती है क्या ये? हाँ साहब, हमारी बीवी पढ़ने में बहुत होशियार है। ये पढ़ लिख के अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती है। वो क्या है ना साहब, अगर ये हमें बताती नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता कभी। बेचारे का मन ऐसे का ऐसे ही रह जाता। बात की थी इसने अपने अम्मा बाबा से, लेकिन उन्होंने इसकी एक नहीं मानी। इसने कहा भी था कि हम बाद में शादी कर लेंगे, अभी हमें पढ़ने दो, हमारे सपने पूरे करने दो। लेकिन वो लोग ठहरे पिछड़ी सोच वाले लोग, कहाँ मानते इसकी, शादी करवा दी। लेकिन जब ये बात हमें पता चली तो हमें सुन के बहुत बुरा लगा। फिर लगा कि नहीं, शादी हो गई तो क्या हुआ, हम तो इसके पति हैं ना। इसके घर वालों ने इसके सपने पूरे नहीं करवाए तो क्या, हम करवाएंगे। तो बस लग गए तभी से इसी कोशिश में, और करवा रहे हैं इसकी पढ़ाई पूरी। हमने बोला इसे, तुम्हारा जो मन है करो, जितनी पढ़ाई करनी है करो, हम हैं तुम्हारे पीछे। वो क्या है ना साहब, हमारा ये मानना है कि जीवन एक ही बार मिलता है, क्यों ना उसे अच्छी तरीके से जिया जाए, आपका जो मन है वो किया जाए। तो बस हम इसको पढ़ा रहे हैं और बाकी हम अपना काम भी संभालते हैं। चल भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है तेरी, उसे पढ़ा लिखा रहा है। पर तू घर पे क्यों नहीं पढ़ाता इसे? साहब हम तो खुद चाहते हैं कि ये घर पे पढ़े। वो क्या है ना, हमारी माँ को इसका पढ़ना लिखना ज़रा सा भी पसंद नहीं आता, तो बस घर के सारे काम इसको सौंप देती है। अब इंसान घर में रहेगा तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। वैसे तो कहने को हमारी 2 बहनें और हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करती है, माँ सारा काम इसी को सौंप देती है। तो बस तभी हमने दिमाग लगाया, हम इसे यहाँ पर ले आए। अब माँ को यही लगता है कि यहाँ पे हमारा हाथ बटाती है, और ये यहाँ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेती है और हमारा भी काम चल जाता है। चल भाई, अच्छा है, तेरी सोच बढ़िया है, तू अपनी बीवी को पढ़ा लिखा रहा है। पर एक बात ध्यान रखियो मेरी, ये तो पढ़ लिख लेगी, कल वो कुछ बन जाएगी, लेकिन तुझे ऐसी छोड़ जाएगी। भाई आजकल तो देख ऐसे हो रहा है ज़माने में, फिर तुझे क्यों ही पूछेगी वो। चल ठीक है, पैसे कर रहा हूँ मैं ऑनलाइन। ठीक है, ओके। एक दर्जन केले कर दियो भाई। वाह भाई, बढ़िया है, तुझे मेरी बात समझ में आ गई। खामखा तेरे नुकसान कर रही थी भाई, मेरी सोच तो यही है, दिव्या घर पे अच्छी लगती है। साहब सही कह रहे हैं आप, जिसकी जैसी सोच वो वैसे ही करता है। अब जैसे आपकी सोच है, अगर हम लोग पढ़ जाए तो हम पतियों को छोड़ के भाग जाएंगे, फिर हम क्यों पूछेंगे। पर आप जानते हैं, हमारे पति की सोच ना बिल्कुल अलग है। वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें हर काम करने देते हैं जो हम चाहते हैं। हमें ना अपने पति की सोच पे बहुत गर्व है। बाकी बात रही साहब भागने की, ये तो हमारी किस्मत है, लोगों को आजकल भागना चाहिए होता है भागने का। बाकी जिसको भागना होता है ना, वो पढ़ा लिखा होगा तो भी भाग जाएगा, पर अनपढ़ होगा तो भी भाग जाएगा। तो वो तो आप छोड़ ही दो, और हमें अपनी बीवी पे पूरा भरोसा है। बात रही पढ़ाई की ना, तो जहां तक इसको पढ़ना होगा ना, वहां तक पढ़ाएंगे। साहब जब पति इतना साथ दे तो एक औरत का कभी मन ही नहीं करेगा वहां से जाने। और रही बात इनको छोड़ने की, साहब जो इंसान हमारे सपने पूरे करने में इतना साथ दे सकता है ना, उन्हें हम अपने सपनों से कभी बाहर नहीं कर सकते। छोड़ो इन सब की बात, बैठो तुम तो।